त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का चुनाव प्रचार खत्म होते ही आज लगातार उप जिलाधिकारी जोनल मजिस्ट्रेट जयेंद्र कुमार आईएएस ऑफिसर डीएसपी शकील अहमद को लेकर निकटवर्ती गांवों में भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने फ्लैग मार्च किया और साफ संदेश दे दिया कि चुनाव में यदि गड़बड़ी की तो सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत सालात हो, जटवाड़ा हो, कुजेड़ा हो, मुजेड़ा हो या भुम्बा हो, पुट्ठी इब्राहिमपुर हो, छछरौली हो, करहेड़ा हो, सभी गाँव में आज लगातार भारी पुलिस बल का फ्लैग मार्च जारी है। आप राज देख रहे हैं जनपद मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक तहसील जानसठ। तहसील जानसठ के अंदर मैंने भी आपको जटवाड़ा, कुजेड़ा, मुझेड़ा और दूसरे गांवों की अपडेट लगातार चल रही है। ग्राम पंचायत संबलेड़ा में भी मेरे साथ यहां पर ग्राम प्रधान प्रत्याशी अखलाक कुरैशी, जो कि पहले भी ग्राम प्रधान रह चुके हैं, सीधे जुड़ रहे हैं। आइए बात कराते हैं इस बार भी उनको क्यों चुना जाए ग्राम प्रधान। स्वागत है आपका, क्या वजह है इस बार फिर चुनाव में? सर देखिए, पब्लिक का प्यार मिल रहा है। मैंने 2.5 साल पहले मैं प्रधान रहा हूँ, एक योजना मेरे फादर भी प्रधान रहे हैं। मैंने जो कार्य किए हैं लोग उन्हीं को अपने सामने रखे हैं और इस बार मेरा गांव की तमन्ना है, मेरे गांव की इच्छा है कि फिर से दोबारा प्रधान जी को प्रधान बनाया जाए। किस पर दावेदारी है ज़्यादा आपकी खास तौर पर? मेरी दावेदारी तो प्रधान पद की है। नहीं नहीं, वोटर कौन, किस वर्ग के वोटर्स पर आप? मुझे समस्त समाज का वोट मिल रहा है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, सभी लोगों का, सभी बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है, सभी बिरादरियों का प्यार मिल रहा है। पिछली योजना में आप नहीं रहे हैं तो ऐसा क्या कुछ कमियां आपको नजर आती हैं, क्या रह गई हो अधूरा गांव की जरूरत? ऐसी क्या योजनाएं रहेंगी जो जरूरी हैं गांव के लिए और आप पूरा करेंगे? सबसे पहले तो मैं गांव के भाईचारे को कायम रखूंगा, उसके बाद मुझे स्वच्छता और शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा मुझे ध्यान देना है और मैं अपने गाँव के अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे सरकारी हॉस्पिटल है और बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम है और रास्ते तो खैर क्या कॉमन है, ये तो बनने ही हैं। हमारे गांव की दो सड़कें हैं जो हमारे यहाँ विश्व का प्रथम पोलियो उन्मूलक द्वार से लेकर गांव तक आती है, जो बिल्कुल जर्जर सड़क है, वहाँ से सवारियों के लिए रिक्शा, मेट्रो वगैरह चलती हैं, वो सब लोग परेशान हैं। उस सड़क के बहुत खस्ता हालात है, लोगों को उम्मीद है वो सड़क बनेगी। एक हमारे यहाँ मुख्य मार्ग से जो हमारे यहाँ पूरे देश में मशहूर है पंचमुखी महादेव मंदिर, जिसका लगभग 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, उसमें मेरे नई सड़क का निर्माण भी मैंने ही कराया था। उसमें जिला जज विजय लक्ष्मी जी थी, उनसे रिक्वेस्ट करके उन्होंने मुझसे इसका जो है बहुत अच्छा वो कराया निर्माण। आज वो रास्ता बहुत ख़राब है, इस 5 साल में उस रास्ते को किसी ने ध्यान नहीं, उस रास्ते को मैं चाहता हूँ कि ये दोनों रास्ते जो है मुख्य रूप से बन जाए, इनका चौड़ीकरण हो जाए और ये इनका सौंदर्यीकरण हो जाए। बहुत बहुत तो गांव संबलेड़ा में भी जा जानते हैं, खासतौर से वोटर्स भी मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, क्या वजह, कौन इस बार यहाँ पर आप देखते हैं जिसके लिए? यहाँ अखलाक भाई का हिसाब किताब बहुत बढ़िया है, उन्हें पहले बहुत अच्छा काम करा था और उसी काम को जनता याद कर रही है। तो आपकी नज़रों में कौन भाई अखलाक जाना चाहिए? उनकी कोशिश है कि भाई अखलाक कुरैशी हो संबलेड़ा के अंदर दोबारा से प्रधान। ऐसी क्या चीज़ अच्छी है अखलाक मियां में जो आप सुनना चाहते हो? अखलाक में तो बहुत खूबी है, अगर कभी जाए तो पूछता तो मुझे बतलाई जाओ, माली कभी प्रधान मिले और सफाई करवा दी, जो पिछले प्रधान था उनने करवाई मुझे लगवा देते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि यार खास तौर से इस गांव के वो वोटर्स हैं जो चाहते हैं कि गांव की स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए कुछ काम हो और अखलाक कुरैशी को वो इसके लिए बेहतर मान बने रहेगा। मेरे साथ हरीश पिछले चीफ एडिटर बारह बेंच न्यूज इन टूडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। ग्राम पंचायत जटवाड़ा में भी ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी सालिम द्वारा वोट की दरकार की गई, बैठकों का आयोजन चलता रहा और प्रचार से पहले उन्होंने वोट मांगी। इस दौरान हमने गांव वालों से वार्ता की है, क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं, देखें उन्हीं की सुने उनकी जबान। कहाँ से? जटवाड़ा से। जटवाड़ा में ऐसी कौन सी ऐसी जरूरत है जो इस बार फिर ग्रामीण देख रहे हैं होनी चाहिए पूरी ग्राम प्रधान चुनाव के लिए? सबसे बड़ी हमारे गाँव में जो है कि हमारा जो माहौल है ना वो आपस में भाईचारे का बना रहता है, ये सबसे बड़ी। तो इसके लिए आप किसे मान रहे हैं इस बार प्रबल दावेदार, कौन जीत के? पिछले 15 सालों में जो है जो हमारे सालिम प्रधान जी है उन्होंने चीज को बना के रखा है, आप अपने भाईचारे को बना के रखा हुआ है, तो उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे इस बार? हाँ, इस बार पक्की उम्मीद है वो जीत जाएंगे। वोट डालते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, किसी भी विद्यार्थी के द्वारा जो चुनाव चिन्ह हमारा है वो है अनाज ओसाता हुआ किसान, अनाज ओसाता हुआ किसान हमारा चुनाव चिन्ह है और उस ही चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाएं
और उस पर्चे को जो है वो वहीं से मोड़ दे जहाँ पे मोहर लगे। बस मेरी ये सबसे ज़्यादा अपील है और चुनाव को शांतिपूर्ण करें। ग्राम पंचायत जटवाड़ा में कोर्ट के सामने निशान लगाकर सालिम प्रधान को ग्राम पंचायत जटवाड़ा से विजयी बनाए और आपसी भाईचारा व विकास में मददगार साबित हों।